कि इस पंचायत के धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष जी, हमारी इस टिकैत सेना के सिरमौर चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे प्रदेश के मुखिया ठाकुर राजवीर यादव जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों साथियों और हमारी माताएं बहनें, इसमें आपको जगा दिया, सारे मुद्दे यहीं सब कर लो, मुजफ्फरनगर से बढ़िया हो कहीं भी मुद्दे सही हो सके, कहीं कोई काम इससे ज्यादा कहीं हल हो सके क्या मुजफ्फरनगर से ज्यादा? मैं तो समझता नहीं कहीं ज्यादा इससे ज्यादा कहीं हो सके। मुख्यमंत्री भी आए यहाँ, सबको सब लोग पहले यही आए, इसमें किसौली में पहुंच गए यहाँ तो कलेक्टर और कोई भी अधिकारी अपने दिमाग में ना जाना, हम इनको परिसर से दबा लेंगे, वो चीज तो आप छोड़ दो, क्योंकि हमको तो सुन लो, हमको हमारी लड़ाई अधिकारी से कुछ नहीं रहती, हमारी पॉलिसी बेस्ड लड़ाई है और वो हम सरकार से पॉलिसी तय करवाते हैं। अभी भी बहुत पॉलिसी हमारी पॉलिसी चली हुई है, जो हमने 35 और 35 35 साल से पॉलिसी बनाई, 70% पॉलिसी हमारी चली हुई है, भारत सरकार की हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो हम तो पॉलिसी पे काम करते हैं। ये भी एक पॉलिसी है जिसमें हमें भी पता कि आप कुछ नहीं इसमें कर सकते, इस पॉलिसी में चेंजिंग होगा और ये लखनऊ से होगा, तो इसमें बातचीत करके इसमें करवाएंगे। जब तक पॉलिसी में चेंजिंग नहीं होगा, आप यहाँ के गाड़ियों को इसको आप रिगुलर रखोगे, उनको ज्यादा छेड़खानी उसमें आप नहीं करोगे, ये हमारा कहना है। जिन अधिकारियों ने यहाँ पे न्यूसेंस करा, वो अधिकारी आप संज्ञान में लेके उस पर SSP से हमारी जो है बात, वो उनकी जिम्मेदारी है कि जिन अधिकारी ने न्यूसेंस करा उनके खिलाफ आप क्या करोगे। अरे कोई चीज होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कुछ अगर हुआ है आप उसको सारी चीजें देख लेना और अपना शांति बनाए रखेंगे। अधिकारी हमारे बीच में अभी आएंगे और काफी चीजों पर सहमति बनेगी और फिर कोई किराए भाड़े से छोड़ा जाने लगे। अब हम अधिकारी यहाँ पे देखो क्या है, जो मुख्यमंत्री ने कहा जो उसपे मामला हो रहा है, तो DM साहब यहाँ पे हैं, ये बताएंगे, यहाँ का पुलिस प्रशासन बताएगा कि गन्ने पे क्या इसमें बिजली और उसमें एक तरफ से वो चला रहा है, यहाँ पे जिसका 10,000 का वो आएगा उसका कनेक्शन कटेगा, हमारा भुगतान करवा दो या हमारी पर्ची दिलवा दो उनको, हम भुगतान करने के लिए तैयार है। आपका सरचार्ज 4,000 रुपए के आसपास हो गया, जो 8 और 10,000 रुपए नहीं देगा, 4,000 रुपए कहां से देगा? देखो लिबरल होके आप बातचीत करो, हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अधिकारी को हम अपने मंच पे जब बुलवाते हैं, जब किसी बात का सेटलमेंट हो जाता है तो अधिकारी को हम बुलवाते हैं, नहीं तो ना ADM है, सिटी मजिस्ट्रेट है, कोई भी है, आएगा क्या बोलेगा? कभी नहीं, हम DM को उसको कभी हम अपने मंच पे नहीं बुलवाते, बड़े अधिकारी को जब बुलाना चाहिए जब आपका सेटलमेंट हो जाए और वे अधिकारी आपके मंच से घोषणा करें, ये हमारी पूरी टेंडेंसी रही है हमेशा। कल का जो वाकया हुआ है हमें उससे बेहद दर्द है, हम एक आदमी को अंदर भेजना चाहते थे तो हमारा एक भी आदमी अंदर DM के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया और हमारे साथ में न्यूसेंस करी, हमारे साथ में बदतमीजी करी गई, हमारे लोगों के ऊपर लाठियां चलाने की कोशिश करी, हमने ही अपने लोगों को वहां से हटाया, नीचे पुलिस प्रशासन कोई हटने को तैयार नहीं था। ये जिला यहाँ की जनता का है, ये कलेक्ट्रेट भी हमारा है, यहाँ की जनता का है, ये अधिकारियों का नहीं है, अधिकारी को आएगा यहाँ पर बैठेगा चले जाएगा, इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस प्रशासन की नहीं है, यहाँ की जनता की है, हम इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन आपके लोग देखे कि पुलिस वाले गाड़ी, हमने 20 बार कहा कि भाई गाड़ी यहां से पीछे हटा लो, लेकिन ये चाहते थे कि अपने आप ही पुलिस के अधिकारी सिविल ड्रेस में गाड़ी के शीशे तोड़ते और नाम इनके लिखते, यहाँ के गमले फाड़ते, यहाँ के पेड़ को फाड़ते, नाम किसान के लिखते, ये यहाँ की टेंडेंसी है कि नाम किसानों के लिख दो, हम इन चीजों से बचना चाहते हैं। जो भाषा का है वो है 50% की भाषा पकड़ पाते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी सब अधिकारी रहते हैं, आप कोई चीज होगी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए कि आपकी, तो ADM सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे भी आपको बता दूंगी,
ठीक है इनसे काम करवाओ, क्योंकि इनसे भी पूरा जो अधिकारी है ये अधिकारी लेवल पर तो बिल्कुल ठीक है, सारे अधिकारी टंच करते हैं बिल्कुल एक साइड में, सारे प्रधान प्रधान जितने भी पटवारी है वो है वो सबको एक लाइन में ले रहे हो, बिल्कुल ठीक कर ले किसानों के साथ में जनता के साथ में आप ठीक रखो तो और तो अपना जेल जाएंगे। तो भाई धन्यवाद आप सब लोगों का, अभी जो अधिकारी जितना काम ऊपर हो गया इसका समाधान भी आप लोगों ने बताया, जिस तरीके से भी हो आप लोग पूरा सहयोग मिला ना, ऐसी कुछ नहीं बात बोल रहे सहयोग मिला आप लोग भी अंकुश में लगाओ, तहसीलों में कचहरी में जो कुछ बात सही हो, जनता के लिए ट्राइट ना हो, जनता का जो कुछ काम है जो काम होने लायक है उसे करो, जो ना होने लायक है उसे बताओ, मैं इसमें क्या त्रुटि है इसे इसे दूर करो, हो सके कुछ किसी ने कर मारे आपने मुझे कुछ कह दिया होगा कुछ हो गया होगा उसके लिए सबका मेरी बात है कि साहब हमारे बीच में आगे इस तरह की और कुछ नहीं बात, पिछली बार भूल भा रही था जो कुछ कहीं बोल के भूल चुके हमारे आदमी तक किसी से होती होगी उसके लिए हम महसूस करें वह इस बात गलत ऐसी बात में होनी चाहते हमारा व्यवहार आप तो पिछले जो यहाँ से रहे हो। सबसे पहले मैं ये चीज जरूर कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोग बिल्कुल एक बात गांठ बांध लीजिए कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पे केवल और केवल आप लोगों की मदद करने के लिए है, किसी का भी यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, हम लोगों को अगर भेजा जाता है तो केवल एक ही काम के लिए भेजा जाता है, क्या बीमारी होगी केवल एक ही काम के लिए भेजा जाता है कि जनता के बीच में जाके जो जितनी भी मदद कर सके जो काम हम कर सके केवल इसीलिए आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ आने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत करके भी हम लोग इसीलिए आते हैं, इतनी मेहनत करके हम लोग किस लिए आते हैं, इसीलिए आते हैं ना कि भाई जो चीजें हमने कमियां पाई हमें लगा कि भाई सिस्टम में कुछ कमी है, हमारा प्रयास यही रहता है कि यहाँ से जब से मैं भी आया हूँ मैडम भी आई है, और ये ऐसी चीजें हैं कि जो छुप नहीं सकती है, हमारे जो प्रयास है चाहे वो पुलिस के व्यवहार से, मैं अभी की बात भी करूंगा मैं सारी बातें करूँ, चाहे वो पुलिस का व्यवहार हो चाहे वो कल हो या उससे पहले कहीं भी हो, बहुत सीधा सा मंत्र है बहुत सीधा सा उसूल है, ये केवल हमारा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का है, शासन का है, सभी का है, जनता किसान भी जनता का ही हिस्सा है, हमारे लिए सभी लोग सर्वोपरि है, कभी भी किसी भी हद पे किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसानों के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर, ठीक है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने ये बोलता नहीं है लेकिन मैं फिर भी रखा हूँ क्योंकि इतने लोग हैं, हमें भी कम बार ऐसा होता है कि इतने सारे मुजफ्फरनगर के जनपद वासी हैं किसान भाई आसपास के, मौका कम मिलता है, हमने बार बार ये कहा है अखबारों के माध्यम से छुपाया, कल की तो जो बात है वो तो 100% है कि उसकी जांच मैं खुद करूंगा, कोई भी गलत काम हुआ है 100% का होगा। गलत व्यवहार दुर्व्यवहार किसी भी पुलिस प्रशासन कोई नहीं करेगा, करता है जानकारी में आएगी उसमें कार्रवाई होगी, हमारे सभी को स्पष्ट निर्देश भी है, कल का मसला हो उसके अलावा हो हर जगह जांच करी जाएगी, कोई भी बात गलत पाई जाएगी हम लोग कार्रवाई करेंगे, मैंने कार्रवाई करी भी है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे, कोई भी बात हो आप लोग सीधा बताइए कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम केवल एक ही काम के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए इस बारे में। धन्यवाद। पुलिस का आदमी कहीं या कोई भी आदमी अगर आपको लगता है कि दुर्व्यवहार की बात आ रही है, हम लोग केवल और केवल जनता की सेवा करने के लिए हैं, कहीं भी अगर आपके सामने कोई दुर्व्यवहार की बात आती है भ्रष्टाचार की बात आती है किसी भी तरीके से कोई गलत बात आती है आप लोग तत्काल हमें बताइए कार्रवाई होगी। कोई बात आप देर से बात सरकार देती है बिजली भुगतान में ये प्रॉब्लम है कि सही बात है कि कभी कभी उनका बिलिंग एजेंसी क्योंकि सिस्टम उनका जो बनता है जो बिलिंग एजेंसी देती है
या उनके यहाँ से जो मीटर लगाने वाले एजेंसी, क्योंकि डिपार्टमेंट में मेन इंजीनियर्स और इनका होता है, बाकी सब आउटसोर्सिंग से जाता है, इनहेरेंट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको हम लोग देख लेंगे। बट उसमें यही है बिजली का बुकर, कई लोग जो भी यहाँ पे आते हैं अगर चेक करते हैं उसमें देखा जाता है पिछले 5 साल में 10 साल में कभी भी एक बार भी भुगतान नहीं करते, तो वो बर्डन दूसरे लोग भुगतान करते हैं उनके ऊपर आता है। तो सभी लोगों को मतलब जितना आपका कर सकते हैं उतना भुगतान लगातार करना। इसका स्कूल है उनमें पेपर्स नहीं था, ना ड्राइवर का लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यही कारण है हम लोगों को इसमें थोड़ा सा एक्शन करना पड़ा। कई लोग कंप्लाई भी करेंगे, जिनका है तो वो करेंगे। पहला मुद्दा तो यही था और बाकी जो शासनादेश में जो होना है वो हम लोग रेफर करेंगे, गवर्नमेंट को जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन कैबिनेट ही चेंज कर सकता है। इट विल गो टू द कैबिनेट और वहाँ जैसे निर्देश मिलेगा उसका फिर हम लोग अनुपालन करेंगे। ये रहा पहला मुद्दा। सेकेंड इश्यू आपने रेस किया था गन्ना भुगतान को लेकर के, इसमें कुछ मिल्स ऐसे होंगे डेफिनेटली वो अभी 31 अगस्त तक जो समय दिया गया है तब तक हम लोगों के ऊपर भी कोई भी कार्रवाई करने का मना है, हम लोग नहीं करेंगे 31 को। फिर उसके बाद से जो भी नियमानुसार हम लोगों को करना, जैसे आरसी के लिए भेजना है और अगर शुगर भेज के कर सकते हैं, कुछ सुझाव आप लोगों किसान यूनियन की तरफ से भी आया है उसमें भी परस्यू कर लेंगे, शुगर केन कमिश्नर से भी बात कर लेंगे। तो जितना भी हो सकता है प्रशासन की तरफ से, हम लोगों का मेन इंटेंशन ये रहेगा कि पेमेंट हो जाए किसान का, अदरवाइज वारंट जारी करके अरेस्ट करवाना, वारंट जारी करना ये बहुत सबसे आसान काम है हमारे लिए, बिल बंद करना भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बट इसमें नुकसान कहाँ होगा ये आपको समझ में है, वो इसीलिए आई वॉन्ट टू गेट द पेमेंट स्टेप, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे पेमेंट हो जाए। और उन्होंने कुछ पेमेंट प्लान भी दिए हैं वो भी आप लोगों से सभी के पास शेयर करेंगे, एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, करेंगे भी और किसी का पक्ष नहीं लेंगे, वो बिल्कुल हम गारंटी कर सकते हैं, जिसको अगर सेकेंड है ना। और इश्यू ये है बच्चों का सुरक्षा, यही मेन मुद्दा है, स्पेशली एक तो ये है, दूसरा बच्चियों का सुरक्षा, ये दो चीजों के ले करके ये नियमावली में जो संशोधन है वो दिया गया है। अच्छा, इसमें कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, आराम से अच्छा, ये कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसका उन्होंने कंप्लायंस कर लिया है और नया गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है, कई इंस्टीट्यूशन जो कर रहे हैं अच्छी बात है, हमारे और आपके बच्चे अच्छे गाड़ी में जाएंगे बहुत अच्छा है, तो इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जिनको इस तरह से समय चाहिए जिसके अंदर वो पूरा करेंगे, या प्राइवेट पार्टीज भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल एक कमेटी बना हुआ है सिटी मैजिस्ट्रेट और सीनियर इनका RTO और DIOS का कमेटी बना हुआ है, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन दे करके अगर 2 महीने में करेंगे 1 महीने में कर रहे हैं समय ले सकते हैं, उसके अंदर अगर सही कर देंगे उसका फिर हम लोग कर देंगे। बाकी ये बताया गया था हम लोग अपने बच्चों को इनसे ले जाते हैं निजी वाहनों से, निजी वाहनों पर कोई रोक नहीं है, निजी वाहन आप अपना ले जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है, क्योंकि 2 इंसिडेंट हो चुका है हमारे ज्वाइनिंग के बाद जिसमें पूरा बस पलट गया और बच्चे लड़की भी बच गए, अगर वो बच्चों को कुछ हो जाता यहाँ इस तरह से गलत फहमियाँ जो है वो नहीं आती। और दूसरे इश्यू पे यहाँ अच्छा बिजली का हम आपको बता दे रहे हैं, बेसिकली बिजली खरीद के हम लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है, कहीं से खरीद के हमारे यूपी का आपको पता है, जैसे हमारे स्टेट स्टेट से हम आ रहे हैं तमिलनाडु से, वहाँ एक्सेस एनर्जी है, मतलब हम लोग जितना हमको यूज चाहिए उससे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं बिजली का, तो हम लोगों के यहाँ से बाकी जगह ग्रिड में जाता है। बट उत्तर प्रदेश का स्थिति दूसरा है, अभी बहुत प्रयास किया गया है कि हमारा जो लोगों ने बताया कि हमारा इतनी उतना कमजोर नहीं है जितना सोचा जाता है, हैं हाँ हम लोग दूसरे स्टेट के हैं, हम लोग हिंदी हम लोगों का नहीं रहता है सिलेबस में, तो यूपी
हिंदी आके ही हमने हिंदी सीखा, बट इतना भी नहीं है कि कमजोर की कोई बोल रहा है, डायलेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है बट अदरवाइज हम समझ लेते हैं क्या ना होता है, उसका कोई एजेंडा पॉइंट है ही नहीं। तो किसी को भी जब भी आपको कोई समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग हमसे मिल सकते हैं 9:30 to 10:30 निर्देश है बैठने के लिए भी, तो आप लोग कभी भी आ करके अपना समस्या हमारे सामने पुट अप कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। सेकंड, ये नियमावली के बारे में जो बताया गया था, कुछ पॉइंट्स रेज किया गया है। ये पहली बात तो हमको कहना है, कैबिनेट से पास हुआ है, जो कैबिनेट जो सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी होती है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने पास किया है और उसी के क्रम में नोटिफिकेशन हुआ है। उसमें एक्चुअली नया नियमावली